हर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, समय दान। जैसे सुबह आप सो करके उठते हैं, उठ करके तुरंत धरती में पैर न रखें और कहीं न जाएं, अपने ही बिस्तर में बैठ जाएं कुछ क्षण के लिए और चिंतन करें सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं किसके पीछे लगा हूं, मुझे किसके पीछे लगना चाहिए। खुद सोचें, खुद सोचें, आपके आत्मा है जो निर्णय देगा वह काम आप कीजिए। रात्रि में सोने जाएं, दीपक बुझा दें, बत्ती बुझा दें, तुरंत चित्त वृत्ति को समेट करके गाढ़ी नींद में मत जाइए। बत्ती बुझाने के बाद अपने बिस्तर में बैठ जाइए और बैठ करके आप खुद अपने दिन भर में क्या क्या किए हैं, क्या आपके मन में दिन में जो किए हुए काम हैं, तन से किए हैं, मन से किए हैं, वचन से किए हैं, आप चिंतन करें। मेरे द्वारा, मेरे मन के द्वारा, तन के द्वारा, वचन के द्वारा किसी को चोट तो नहीं पहुंची है, किसी के आत्मा दुखाया तो नहीं है। आप खुद सोचें, यदि दुखाया है, चोट पहुंचा है, आपके दिन भर के रील है, दो मिनट के चिंतन से बता देगा तूने अमुक समय अमुक के साथ ऐसा तन से मन से वचन से गलत सोचा, गलत कहा, गलत बोला, गलत किया। आपके आत्मा ही गवाह देगा। जैसे व्यापारी होता है, दिन भर व्यापार करता है, लेकिन मुनिम के साथ मालिक है, दिन भर के हिसाब करता है, आज दिन भर में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना हानि हुई, कितने लाभ हुआ, मुनिम और मालिक बैठ के चिंतन करता है और जहां जहां भूल हुई है वहां पर सुधार करने के लिए चिंतन भी करता है, संकल्प भी लेता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, अच्छे जीवन जीने के लिए खुद अच्छे संस्कार की आवश्यकता है। इसलिए समय दान दो, समय दान, समय दान। इतना ही नहीं, जैसे कुछ क्षण बैठ कर
किसका सेवा करें, केवल अपने परिवार का ही नहीं समाज का भी सेवा करें, परिवार के साथ अच्छे बर्ताव करें, अच्छे जीवन जिए। ये परिवार माता मिली तो, पिता मिला है तो, भाई मिला है तो, पति पत्नी मिले हैं तो, ये सदा के लिए छूटेगा, सदा के लिए छूटेगा, कोई साथ नहीं देगा आगे आगे, केवल आत्मा अकेला जाएगा, अमर आत्मा अकेला और अपरिचित जगह में। जैसे आपके घर में बालक बालिका जो जन्म ले रहा है, वो आत्मा जन्म शरीर कर लिया, लेकिन आत्मा कहाँ से आया, उसको इतने बड़ी संपत्ति कहाँ से मिल गई, घर धन संपत्ति माता पिता कैसे मिला, पूर्व जीवन के कर्म से मिल रहा है वही तुमको, जो कि पहले से दिया है उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंख खोलो सोच को ही अब सो। जो कुछ भी मिलता है मनुष्य को कर्म कमाई का फल है, हमने जो किया है उसी का फल मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया
लेकिन सब कुछ किया किसान, लेकिन काहे बिरवा रूखरा, ए गुण खेत ही खेत। आप वृक्ष रुखरा क्यों है, फसल क्यों हल्ला हल्लाता नहीं है, उसका कारण क्या खेत का है। खेत को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया आपने। यदि अच्छी तरह से तैयार किया होता खेत को, तो खेत में जो भी बीज डालते अच्छा ही होता। उसी प्रकार से जीवन में जो माता पिता सुख शांति चाहते हैं, तो अच्छा भी कर्म करें। कर्म ही साथ देता है, ना बेटी साथ देगा, ना बेटा साथ देगा, ना पति पत्नी साथ देगा। साथ कौन देगा? जीवन के अंत समय तक उसका कर्म ही साथ देगा। कर्म, किसी के भरोसा मत करो, अपने जीवन को अपने कर्म को बनाओ, कर्म ही साथ देगा। इसलिए हर मनुष्य को जानबूझ करके अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए। समय दान दो अपने लिए और अपने संतानों के लिए, माता पिता के लिए। जैसे कहा गया, अभी बता रहे हैं, बच्चे को संस्कार देना है, तो बच्चे को संस्कार देने के लिए एक घंटा समय आप निकालिए। एक घंटा के समय रात्रि में भोजन के पहले या भोजन के बाद, अब पूरा परिवार बैठिए, माता पिता दादी दादा को लेकर के, बेटा बेटी पति पत्नी नाती पोते को लेकर के, और वहां पर अच्छे संस्कार गुरुवाणी का पाठ करें, भजन गाइए, और साथ साथ परिवार वालों को बताइए जीवन में सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, दुख क्यों मिलता है, सुख क्यों मिलता है, किसके साथ में क्या आया है, क्या जाएगा। सब चीज को भले भले विधि बताना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपने जीवन को समय दान दो। यदि समय दान नहीं दिया, केवल खाने कमाने में जीवन को नष्ट कर दिया, और सोते समय सो गया, फिर उठे फिर लग गया, जीवन के बारे में कुछ जाना ही नहीं, बच्चों को कुछ दिया ही नहीं, तो आपके आत्मा ये शरीर को छोड़ेगा, अथवा इसी जीवन में बुढ़ापा में केवल दुख ही पाएगा। और छोड़ करके शरीर को जाएगा आत्मा, तो 84 में भटकेगा। आत्मा अमर है, अमर आत्मा है, वह मरता नहीं, केवल शरीर ही छूटता है। इसलिए अमर आत्मा को आज भी सुख शांति मिले इस जीवन में, और शरीर छूटने के बाद अगला जीवन भी अच्छा ही हो। आपके घर में जो बच्चे जन्म ले रहा है, पूर्व जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म किया था, धर्म कर्म किया था, पुण्य कर्म किया था, जिसके कारण से बड़ा से बड़ा संपत्तिशाली के घर में जन्म लिया। अब जन्म से ही सब कुछ मिला, माता पिते धन संपत्ति सब कुछ मिला। कर्म इस जीवन का नहीं, जैसे मेरा शरीर है, इस शरीर बनने में कारण क्या है, मेरा इस जीवन का कोई कारण नहीं है। पूर्व जीवन में मैंने जैसा किया था, वैसे ही इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता मिले, और वैसे ही शरीर मिला, धन संपत्ति मिला। कर्म, अब कर्म सब मिल गया, मैं अब आगे चल करके बालिक हो गया, नाबालिक से बालिक हो गया, मैं कर्म कर रहा हूं। जैसे गलत आदमी के संग कर लिया, तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, खाने पीने लग गया। और जो आदमी खाने पीने में लग गएगा,
वह धन कमाएगा उसके पास धन रहेगा नहीं, जीवन को बर्बाद कर डाला। बच्चे भी तरसेगा दो रोटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और माता पिता भी तरसेगा, पत्नी भी तरसेगी। इसलिए बच्चे अपना जीवन को बनाना है तो युवा अवस्था बाल्यावस्था से बनाते चलो, आगे चल के केवल पश्चाताप ही आता है हाथ में। इसीलिए कहते हैं शिशुपन बालकपन गए बीत, कौमार छिपा जाकर अतीत। शिशुपन तो सोने और खाने में खेल कूद में बिता दिए, बालकपन से सब गया। कौमार अवस्था आने के बाद बालक और बालिका दोनों हैं। भविष्य का मैं ऐसा करूंगा ऐसा फल मिलेगा, स्वप्न देखता है बालक बालिका है, और स्वप्न के अनुसार से कर्म भी करता है। कर्म जैसा करेगा उसी प्रकार से बालक बालिका आगे जीवन को बनाता है। यदि वह बालक बालिका है गलत संगत करेगा तो इसी जीवन में हाथ धो बैठता है। जीवन रहते रहते जवानी आई नहीं है, और जवानी आने के पहले ही अपना जीवन को बर्बाद कर डालता है, भरी जवानी आई नहीं। तो कहा गया शिशुपन बालकपन गए बीत, कौमार छिपा जाकर अतीत। या यौवन दो दिन का बहार, जवानी कितने दिन का होता है? बस थोड़े दिन का होता है। थोड़े दिन के बाद में आंखों की रोशनी चली गई, कमर टूटने लगा, बाल जो काला बाल है सफेद होने लगा, शरीर कमजोर होने लगा, धन कमाने की शक्ति नहीं, परिवार चलाने की शक्ति नहीं, तो कैसे होगा? इसलिए जीवन रहते जीवन सुधार, मरने पर फिर क्या होगा गंवार? जीवन रहते रहते जवानी के रहते रहते हर नर नारी को, हर बालक वृद्ध को चिंतन करना चाहिए, अपने भाग्य का निर्माण करो। वृद्धापन व्याधि फूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। बुढ़ापा आते ही अनेक प्रकार से शरीर में व्याधि शुरू हो जाता है। अब उस व्याधि से लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं, धन नहीं है, न परिवार साथ देने रहा, क्योंकि जवानी में सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब बुढ़ापा में व्याधि आ गई, मौत नहीं आई है तब तक व्याधि आ गई, अब व्याधि से लड़ने की शक्ति नहीं, कैसे होगा? तब वृद्धापन व्याधि फूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। यौवन बहार का याद तीर चुभ कर भर देता हृदय, अब बुढ़ापा आया, जो कुछ भी जवानी में किया था बुढ़ापा में, अब वो याद हो करके बेटा भाई पुत्र बहु कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो याद हो करके केवल पश्चाताप, केवल रोना, क्योंकि जंघे में ताकत नहीं, भुजा में बल नहीं, तो जेब में धन भी नहीं। इसलिए हर इंसान को अपना भविष्य का निर्माण करना है, तो जैसे किशोरा अवस्था आता है ना, तैसे ही चिंतन करना चाहिए, और अपने बालक बालिका को अच्छे संस्कार देना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, अवसर फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के, नर्तन फिर न मिलेगा, बांध मत गठरिया प्राणी पाप के।
ये नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। आज मिला है, पता नहीं कब से हम भटकते भटकते आए, कितने खानियों को पार करके। तो मनुष्य जीवन में जो कर्म किया था उसी के अनुसार से आज मिला है। यदि फिर आज चुक गया भविष्य निर्माण करने में, तो फिर 84 जाना होगा। 84 से बचने के लिए आज सुंदर मौका मिला है, केवल आज का समय। इसलिए स्वयं जागे, अपने बच्चों को भी जगाएं। उसी के लिए सत्संग भजन का कार्यक्रम होता है। संत आते हैं आपसे लेने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आते हैं। आप क्या देते हैं संतों को? रोटी धोती ही देते हैं। लेकिन संत आपको क्या देते हैं? जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आप धन कमाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। परिवार के साथ में बेटा है, बहू है, नाती पोते हैं, माता पिता है, दादी दादा, उनके साथ कैसा जीवन जीना चाहिए, या जीवन जीने की कला संत बताते हैं। अभी बता रहे थे ना संत लोग। इसलिए संत हमें जीवन जीने की कला, सुख शांति की कला बताने वाले संत हैं। परिवार के साथ कैसा जीवन जीना चाहिए ये भी संत ही बताते हैं। इसलिए हम सबको जागने की आवश्यकता है, और जागने का समय केवल आज है। आज कल का कोई भरोसा नहीं, कल का दिन हमारे लिए आए कि ना आए क्या पता, क्या पता। अचानक हम देख रहे हैं कितने आदमी भरी जवानी में, नव युवक में सब दुनिया को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हमारा भी बारी कब आ जाए, आज या कल की रात्रि में एक हिचकी आई मौत आ जाएगी। इसलिए जागने का समय है, और जागने का समय अभी है। इसलिए आज संत आपके राज्य में आए हैं, उनके अमृत वचनों को आप हृदयंगम करें और अपना भविष्य का निर्माण करें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप सबको के लिए यही शुभकामना करता हूं कि संतों की वाणी को चित्त लगा करके कुछ देर श्रवण करें और अपना भविष्य का निर्माण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।